मैरिड कपल अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए एक हाउस बाय करते हैं, पर इसका ओनर उनसे अब्सेस्ड हो गया था। वो हमेशा उन पर नजर रखता था, उसके खतरनाक से सीक्रेट्स थे। अब क्या वक्त रहते फैमिली संभल पाएगी, ये हम आज की हमारी मूवी द इंट्रूडर 2019 की एक मिस्ट्री थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम हमारे मेन कैरेक्टर स्कॉट, उसका फ्रेंड माइक, इन दोनों को देखते हैं। ये आज एक बड़ी सी डील सक्सेसफुल कर घर आए थे। स्कॉट का बर्थडे था तो एनी ने माइक से कहकर एक सरप्राइज पार्टी रखी हुई थी। बातों बातों में माइक ने स्कॉट को इस सरप्राइज के बारे में बता दिया। ऊपर आकर स्कॉट अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज एक्ट करता है। उसकी वाइफ का नाम है एनी। पार्टी हो जाने के बाद ये दोनों रिलैक्स कर रहे थे। स्कॉट एनी से पूछता है, जो भी चीज़ें तुमने मुझसे कही थी कि हमारा एक घर होना चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए, क्या ये सब तुम अब भी चाहती हो? एनी इसके लिए हाँ कहती है। तो इसके बाद ये घर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सिटी के बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाउस था, ये वो देखने के लिए आए। आसपास देख रहे थे तो उन्हें एक डियर दिखा। अचानक से कोई उसे गोली मारकर मार देता है। ये इस घर का ओनर था जिसका नाम है चार्ली। स्कॉट और एनी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, पर चार्ली उन्हें रोक लेता है। कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे डियर हो चुके हैं, ये सारे गार्डन को खराब कर देते हैं। उसने उन्हें अंदर इन्वाइट किया। वो कहता है कि मेरे बच्चे इसी हाउस में बड़े हुए। उसकी वाइफ को कैंसर हुआ था, उसके बाद चार्ली अकेला ही है। चार्ली का हाउस बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल था। घर देखने के बाद स्कॉट चार्ली से पूछता है कि इसकी प्राइस तुम कितनी कम कर सकते हो। चार्ली ने कहा 3.5 मिलियन का है, पर मैं आपको 3.3 मिलियन के लिए दे सकता हूँ। अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम्हें यह हाउस देखना भी नहीं चाहिए। स्कॉट को इस बात पर गुस्सा आ गया और यहाँ से वो जा रहा था। चार्ली आकर कहता है कि मैं किसी और को नहीं बेचता, पर तुम दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल हो, इस वजह से मैं ज़रा कम कर कर यह हाउस सेल कर दूंगा। स्कॉट ने एनी को देखा तो इस घर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऑलरेडी उसने प्लान बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए हाउस वो बाय कर लेता है। चार्ली ने घर से सब कुछ सामान वगैरह निकाला और यहाँ पर मूव हो गए। एनी ने उसे पूछा कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो। चार्ली ने कहा कि फ्लोरिडा में मेरी बेटी रहती है, उसी के पास जाकर मैं रहूँगा। एनी को चार्ली के लिए बहुत ही बुरा लगता है। स्कॉट ने देखकर उसे चीरअप किया, कहा कि अब हमारी पूरी लाइफ हमारे आगे है। ये दोनों आज बहुत ही खुश थे। रात में अपने फ्रेंड्स के साथ इन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। स्कॉट का फ्रेंड माइक गार्डन में स्मोक कर रहा था और वहीं पर वो टॉयलेट करता है। उसे लगा कि गार्डन में उसे कोई देख रहा है, पर कोई भी नहीं था। सुबह जब वो घर जाने के लिए निकलता है तो उसकी गाड़ी की सीट पर सिगरेट का बर्न था। वो इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गया क्योंकि उसे अपनी गाड़ी पर कोई भी स्क्रैच अच्छा नहीं लगता। वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि ये हुआ कैसे। थोड़ी देर में स्कॉट और एनी आइसक्रीम लेने के लिए गए। वहाँ पर स्कॉट एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा था। एनी को स्कॉट को उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लगता, इससे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। छोटे मोटे इन दोनों में प्रॉब्लम्स थे, पर फिर भी सब कुछ चीज़ें नॉर्मल थी। एक दिन स्कॉट काम पर था, एनी घर पर अकेली थी तो नोटिस करती कि चार्ली उनके गार्डन को टेंड कर रहा है। चार्ली तो एक्चुअल में अपने डॉटर के पास फ्लोरिडा जाने वाला था। एनी इस बात से बहुत ही सरप्राइज थी। उसे पूछती कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। चार्ली ने कहा कि बहुत सारे काम थे जो मुझे अब भी करने थे। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ग्रास को देखा, लगा कि इसे कट करने की ज़रूरत है। एनी कहती कि तुम ज़्यादा वरी मत करो, हम ये सब चीज़ें कर लेंगे। स्कॉट जब घर पर आया तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। एनी उसे बताती है कि वो बेचारा अकेला था, तो इस वजह से मैंने थैंक्स गिविंग के लिए उसे घर पर डिनर के लिए बुला लिया। स्कॉट को अच्छा नहीं लगता क्योंकि चार्ली उनके लिए स्ट्रेंजर है, पर फिर भी वो मान जाता है। अब थैंक्स गिविंग के लिए चार्ली भी कुछ खाना लेकर आया था। वो घर देखता है तो घर में स्कॉट ने एक पेंटिंग चेंज कर दी थी, जो देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया, पर उसने दिखाया नहीं। घर को लेकर चार्ली बहुत ही इमोशनल था। थोड़ी देर में स्कॉट का फ्रेंड माइक और उसकी वाइफ भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। वो डिस्कस कर रहे थे कि घर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट वो कर सकते हैं, पर चार्ली को बात अच्छी नहीं लगती। कहता है घर में एक इंटीग्रिटी है, अगर आप इसके वॉल्स वगैरह तोड़ोगे तो सही नहीं लगेगा। माइक इस बात को मान नहीं रहा था तो चार्ली ने कहा कि तुम में इंटीग्रिटी नहीं है। सब इस पर बहुत हंसते हैं। चार्ली को इतना गुस्सा आ गया था कि वो इमेजिन करता है कि माइक को मार डाले। थोड़ी देर में माइक फिर से सिगरेट पीने के लिए बाहर गार्डन में गया। उसके पीछे पीछे चार्ली भी आता है। माइक ने कहा कि प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। चार्ली ने कहा कि मैं हमेशा यहीं पर हंट करता रहता हूँ। माइक को शक गया कि शायद उस रात उसकी गाड़ी की सीट पर बर्न देने वाला चार्ली था। उसे पूछता है क्या तुम रात में भी हंट करते हो। चार्ली ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक फिर भी चार्ली को चिढ़ाने के लिए पास के स्कल्पचर पर अपनी सिगरेट को बुझाता है। चार्ली के जाने के बाद माइक ने स्कॉट से बात की। उसे चार्ली पर जो शक था इसके बारे में उसे कहता है।
उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता, तो माइक ने कहा कि मुझे लगता है कि चार्ली आसपास ही कहीं रहता है, हमें आसपास की सारी जगह चेक करनी चाहिए। बेट लगाकर फिर ये दोनों निकल पड़े। ये आगे चलकर देखते हैं तो घर के बाहर ही कोई आदमी अपनी गाड़ी में था। वो देख पाते कि वो आदमी था कौन, इससे पहले ही वो वहां से भाग गया। स्कॉट को अनसेफ लगा, तो अगले दिन वो घर में कैमरे, लाइट्स, ये सब चीजें इंस्टॉल कर रहा था। चार्ली देखकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जंगल में सिर्फ जरा टीनेजर्स होते हैं जो रात में वहां पार्टी करने के लिए आया करते हैं। स्कॉट को चार्ली का इस तरीके से इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। चार्ली ने कहा कि अगर तुम्हें अपने घर को प्रोटेक्ट करना है तो एक गन बाय कर लो। स्कॉट इस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, कहता है मेरी प्रॉपर्टी पर कोई भी गन अब अलाउड नहीं है, तुम भी कभी भी यहाँ पर गन मत लाना। एक्चुअल में स्कॉट के छोटे ब्रदर को स्ट्रीट में किसी ने गोली से मार दिया था, तब से वो गन्स को हेट करता है। रात में कुछ आवाज की वजह से स्कॉट की नींद खुल गई, उसके गार्डन की लाइट्स भी स्टार्ट हो गए थे। वो जल्दी से भागकर गार्डन में आया तो नोटिस करता है कि कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। वो लाइट बंद कर जा रहा था तभी हम शेडोज में चार्ली को नोटिस करते हैं। अब क्रिसमस आ रहा था तो एनी के साथ वो ट्री लेकर आता है। जब घर पर आया तो घर के बाहर ही चार्ली को उसने देखा। उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि चार्ली के पास उसकी गन थी, उसने उसे मना किया था। चार्ली उसे सॉरी कहता है। क्रिसमस ट्री देखकर चार्ली ने कहा कि घर में डेकोरेशन के लिए बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ये सब कुछ उन्हें दिखा देता है। स्क्वाड ने चार्ली से कहा कि जब भी तुम्हें आना होगा तो पहले कॉल या टेस्ट कर कर आना। वो आज उसे हाथ भी नहीं मिला था। एनी घर पर क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह कर रही थी, पर स्क्वाड जरा काम पर बिजी हो गया। कल के लिए सॉरी बोलने के लिए चार्ली एनी के पास पहुंचा। वो एक वाइन की बॉटल लेकर आता है। एनी को अकेला काम करता देखकर उसने उसे हेल्प के लिए पूछा। एनी भी मान जाती है। चार्ली ने कहा कि तुम सिटी की लड़की लगती नहीं। एना कहती कि बचपन में मैं सिटी में नहीं रहा करती थी, सिटी में रहना उसे अच्छा लगता था, पर अब किड्स के लिए वो यहाँ पर आ गई है। एनी को स्कॉट का मैसेज आता है और आज रात वो लेट आने वाला था। इस बात से वो बहुत ही अपसेट हो गई। स्कॉट अपने क्लाइंट के साथ ड्रिंक पर आया हुआ था तो उसकी क्लाइंट उसे किस कर लेती है, पर स्कॉट ने उसे मना कर दिया। घर आने पर एनी स्कॉट पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, कहती है लास्ट टाइम भी तुमने इसी तरीके से चीजें करना स्टार्ट किया था और इसके बाद तुम्हारा अफेयर हुआ, यही रीजन था प्रीवियस में भी एनी उस पर अपसेट हुई थी। स्कॉट उसे अश्योर करता है कि फिर से ऐसा कुछ भी वो नहीं करेगा। एनी ने स्कॉट को आज रात नीचे ही सोने के लिए कहा। रात में फिर से स्कॉट को लगा कि घर में कोई है, वो सब जगह पर देखने लग जाता है तो एनी भी उसका आवाज सुनकर नीचे आ गई थी। स्कॉट ने उसे फिर से सॉरी कहा। ये दोनों यही इंटीमेट होने लग गए। तभी हम देखते हैं चार्ली घर में था और इन्हें देख रहा था। अगले दिन टाउन में स्कॉट कॉफी लेने के लिए गया हुआ था। वो एक आदमी उससे बात करने लगता है और कहता है कि तुम चार्ली के घर में रह रहे हो। वहां पर उसकी वाइफ की डेथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। उस आदमी से स्कॉट को पता चलता है कि चार्ली की वाइफ ने शॉटगन लेकर सुसाइड कर ली थी। पुलिस को लगा था कि ये सुसाइड नहीं है, वो चार्ली को चार्ज भी करने वाले थे, पर फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया। ये सब बात स्कॉट एनी को बताता है, कहता है कि चार्ली बहुत ही डेंजरस है, हमें उसे फिर से आने नहीं देना चाहिए, पर एनी इस बात से एग्री नहीं करती। ये दोनों फिर बाहर जरा डिनर के लिए गए। चार्ली ने इनसे कहा था कि टाउन में एक होटल में रुक रहा है, तो स्कॉट ये होटल का नाम देखकर डायरेक्टली वहां पर आ जाता है। वो ड्रंक था तो गुस्से में उसने पूछा, तुम कब जा रहे हो, क्या तुम मेरी वाइफ के पीछे पड़े हो। एनी स्कॉट को कंट्रोल कर यहां से लेकर जाती है। अगली सुबह जब स्कॉट रनिंग के लिए निकला तो एक गाड़ी उसे टकरा कर भाग जाती है। ये गाड़ी चार्ली की ही थी। फॉर्चुनेटली स्कॉट को ज्यादा लगती नहीं, पर फिर भी अंडर ऑब्जर्वेशन उसे रात भर रखने वाले थे। एनी को वो घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद उसने माइक को कॉल लगाया। उसने कहा कि शायद तुम्हारा शक सही था, इस सब के पीछे चार्ली है, उसके ऊपर जरा इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और एनी ठीक है या नहीं ये रात में जाकर देख कर आना। एनी को अकेला देख चार्ली उसके पास रात में पहुंच जाता है। उसने पिज्जा भी लाया हुआ था। माइक ने चार्ली के बारे में पता कर स्कॉट से कहा कि उस पर बहुत सारी केसेस हो गई थी, कंस्ट्रक्शन के काम में उसने फ्रॉड किया था। चार्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से उसे घर सेल करना पड़ा। चार्ली और एनी एक साथ डिनर कर रहे थे तो माइक उसे देखने के लिए आया तो ये बात चार्ली ने नोटिस की। चार्ली एनी से कहता है कुछ टीनेजर्स पीछे खड़े हुए हैं, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। चार्ली को देखकर माइक भागने लग गया, पर चार्ली उसे पकड़ लेता है। चार्ली ने उसे कहा रात में तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये जंगल वगैरह सब कुछ बहुत ही डेंजरस है। माइक भी बहुत डर गया था, वो सब चीजों के लिए हाँ कहता है। बात करते करते चार्ली ने माइक से कहा लाइफ में अगर आपको और एक चांस मिले, जो चीजें आपसे छीन ली गई थी वो आप फिर से पा सको, तो क्या तुम नहीं पाओगे। माइक कहता है कि ऑफकोर्स मैं वो चीजें ले लूंगा।
चार्ली ने कहा कि मैं वही करने वाला हूँ। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, अब सिर्फ मुझे स्कॉट को मारना पड़ेगा। ये कहने के तुरंत बाद वो माइक को मार डालता है। उसकी बॉडी को ठिकाने लगा कर फिर से वो एनी के पास आया। उसने प्रिटेंड किया कि भागते भागते उसके पैर पर चोट आ गई थी, इसी वजह से ज़रा लेट हो गया। एनी उसके पैर का ख्याल रखती है। इन सब चीज़ों को चार्ली एंजॉय कर रहा था। अगली सुबह जब एनी बात ले रही थी तो चार्ली उसे ही देख रहा था। घर वापस आने पर स्कॉट ने चार्ली को घर के बाहर नोटिस किया। स्कॉट चार्ली से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, फिर से अब वापस मत आना। स्कॉट ने एनी को चार्ली के बारे में सब कुछ चीज़ें बताई। उसने कहा, क्या कल रात माइक यहाँ पर नहीं आया? एनी कहती कि कल रात तो कोई भी नहीं आया था, चार्ली मेरे साथ ही था। अब इस बार स्कॉट की बात एनी ने ज़रा सीरियसली ली। चार्ली के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन स्कॉट को पता चली। चार्ली की डॉटर ने उसका नाम भी चेंज कर लिया है। उसकी डॉटर फ्लोरिडा में नहीं तो किसी और जगह पर दूर रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी ग्रोसरी लेकर घर पर आई तो चार्ली ऑलरेडी घर में था। वो बहुत ही डर जाती है, कहती कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चार्ली ने कहा कि हम दोनों को ऐसे अकेले कभी भी टाइम नहीं मिलता, स्कॉट हमें डिस्टर्ब करता रहता है, मैं उसे हैंडल करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ ज़रा टाइम चाहिए। एनी समझ गई कि चार्ली पूरी तरीके से साइको है तो उसके हाँ में हाँ मिला दिया। उसने कहा कि अब मैं ज़रा थकी हुई हूँ तो थोड़े टाइम बाद आना। चार्ली के जाने के बाद उसने पूरा घर लॉक कर लिया। वो घर का एक कवर देखते हैं तो कवर में से घर में आने के लिए बाहर से एक रास्ता था, एक बड़ा सा टनल है। इसी टनल के अंदर चार्ली रह रहा था, इसी वजह से स्कॉट को हमेशा रात में आवाज़ें आती थी। उसने आगे चलकर देखा तो घर के बाहर निकलने के लिए रास्ता था। चार्ली एनी को नोटिस कर लेता है, वो भी उसके पीछे पीछे भागा। भागते भागते एनी ने एक डोर ओपन किया तो वहाँ पर फ्रीज की हुई माइक की बॉडी उसे मिलती है। वो और भी ज़्यादा डर गई। जल्दी से घर में आकर उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर तब तक चार्ली ने उसे पकड़ लिया था। उसे चाकू लेकर मारने की कोशिश करती पर कुछ भी कर नहीं पाती। जोर से चार्ली ने उसका सर टकरा दिया और वो बेहोश हो गई। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि स्कॉट ने चार्ली की बेटी को कॉल लगाया था। उसे चार्ली के बारे में पूछता है। डॉटर ने कहा कि मैं उसे हेट करती हूँ, उसने मेरे मदर को मारा है। स्कॉट अब जल्दी से घर आ रहा था। चार्ली एनी के साथ ज़बरदस्ती करने लग गया था, तभी वहाँ पर स्कॉट पहुँच जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर चार्ली ने स्कॉट पर भी हमला कर दिया। उसने डायरेक्टली उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। एनी को तभी होश आ जाता है, वो डोर लॉक कर देती है, पर फिर भी चार्ली ने ओपन कर लिया। वो इन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, वो एनी को भी मारने लग जाता है। स्कॉट जख्मी हालत में ऊपर आ गया। एनी और वो मिलकर चार्ली को मारने लग गए। चाकू लेकर एनी चार्ली को हर्ट कर देती है। चार्ली भागते भागते नीचे चला गया, वहाँ से एक गन लेकर आता है। घर के लाइट्स बंद कर उन्हें शूट कर रहा था। एनी और स्कॉट छुप गए थे। बड़ी चालाकी से स्कॉट ने बेसबॉल का बैट लेकर चार्ली को बेहोश कर दिया। चार्ली को जब होश आया तो उसकी गन स्कॉट के पास थी। चार्ली कहता है, तुम मुझे कभी मार नहीं सकते। एनी पुलिस को कॉल कर बताती है कि हमारे घर में कोई घुस आया था तो मेरे हस्बैंड ने उसे मार डाला। स्कॉट हमेशा गन से डरता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई भी फायदा उठाए, तो इसी वजह से चार्ली को मार डालता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।